अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ। आज मैं कद्दू गोश्त बना रही हूँ। इसके लिए तकरीबन एक किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है मेरे पास। इसके लिए चार कद्दू मैंने लिए हैं, छील लिए हैं, अभी इनको मुझे काटना है। और चार प्याज हैं इसमें मीडियम साइज़ की, तीन टमाटर हैं, चार से पांच हरी मिर्चें हैं। यह छोटी हों तो चार पाँच ले लीजिएगा, मेरी बड़ी थी, काफ़ी लंबी थी तो मैंने तीन ली हैं। ये इनको काट लिया है। एक एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसाले चार हैं इसमें, जिसमें नमक एक टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया टू टीस्पून, और हल्दी इसमें हाफ टी स्पून डलेगी। तो चलें आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाला है, और अब मैं ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज को पहले ब्राउन करेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें अदरक लहसुन डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फ्राई हो गया, और इसमें गोश्त डालूंगी। इसमें फ्राई करूंगी, इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये गोश्त को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट इसमें किया फ्राई, और इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर डाल के इसमें मसाले डालूंगी, एक टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया टू टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी का। इसको भी मिक्स करें अच्छी तरह, थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। जब मसाला भून गया इसमें, तो फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, और पानी इतना डाला कि इसमें ही सारा गोश्त गल जाए। और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। बहुत हाई फ्लेम पे अगर मैं रखती तो ये पानी जल्दी खुश्क हो जाता और गोश्त कच्चा रह जाता। लेकिन मैं 10-10 मिनट बाद चेक कर रही थी, कवर करके रख दिया, उसके बाद मैं खोल खोल के आके चेक कर लेती थी कि गोश्त गल गया या नहीं। तो तकरीबन इसको 45 मिनट्स लगे कंप्लीट इसको गलने में। अब गोश्त बिल्कुल गल गया, और इसमें जो पानी बच गया उसको मैं ढक्कन हटा के और तेज़ आंच करके इसको मैं खुश्क करूँगी, क्योंकि अब इसमें मुझे कद्दू शामिल करने। कद्दू आप देख लें किस तरह से काटे हुए, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी काट सकते हैं। इनको मैंने इसमें डाल के इसको भी अच्छी तरह भूना है इसके मसाले में, और फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि कद्दू का अपना पानी निकलेगा और फिर वो इसमें गलेंगे। कद्दू मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दिया, और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा, और इसको भी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करती रही कि इसका कितना पानी निकला है। कद्दू जल्दी गल जाते हैं, तो तकरीबन 20 मिनट बाद ये बिल्कुल गल गए थे, और फिर मैंने इसको भूनना शुरू किया, और साथ ही हरी मिर्चें जो काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दी। बस हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनें कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए, और कद्दू गोश्त बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।